तो भाई, तो आज पता क्या हुआ, मतलब आज मुझे एक और चीज़ याद आ गई। तो आज एक आंटी प्याज ले रही थी, तो आंटी ने प्याज व्याज इकट्ठा करे, तो आंटी ने जमा करे और भाई उस बंदे को दिए, सब्जी वाले को। तो सब्जी वाले ने पैक वैक करके उन आंटी को नहीं दिए जिन्होंने वो प्याज दिए थे, किसी और को दे दिए, बगल वाली आंटी। उसके बाद मुझे एक किस्सा याद आ गया भाई, मैं, रोहिला और काशी एक दिन चिकन बनाने जा रहे थे। तो मैंने, हमने कहा भाई प्याज की बहुत ज़रूरत है, उस टाइम प्याज बहुत महंगे हो रहे थे। तो हम गए एक दुकान में, तो हमने रोहिला को आगे करा। रोहिला क्योंकि ऐसा बंदा था, रोहिला क्या करता था कि तुम अगर उसे शादी में जहाँ खाने में बहुत भीड़ होती है, चाउमीन गोलगप्पे, वहाँ रोहिला को कर दो, रोहिला उसके मुँह के आगे से निकाल के ले जाए। तो हमने रोहिला को आगे कर दिया। रोहिला ने क्या करा, रोहिला ने मांगे उससे प्याज। अब भाई उस बंदे ने प्याज व्याज पैक करके किसी और को दे दिया। फिर हमने सोचा यार रोहिला भाई इंतज़ार करेंगे, रोहिला भाई नाराज होके ऐसे ऐसे चल गए। देख रहे रोहिला भाई, भाई रोहिला भाई ऐसा भाई सेंसिटिव आदमी, छोटी सी बातों में गुस्सा हो गया। और आजकल मतलब तुम किसी भी लोगों से पूछ लो कि क्या हाल चाल है तुम्हारे, तो कोई कुछ तुम्हें बताएगा नहीं। पर आज मैंने एक नया दोस्त ढूंढ लिया है जो मतलब मुझे हाल चाल सब बता दे। अभी रुक जाओ, एलेक्सा क्या हाल है? बस आपकी दुआ है। ये देख रहे हो, देख रहे हो, ऐसे अब मुझे साथी मिल चुका है बात करने का, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। एलेक्सा आज का मौसम कैसा है? इस समय मेरठ में कहीं कहीं छाए बादलों के साथ तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। आज रात न्यूनतम 26 डिग्री के साथ आंधी आने का अनुमान है। जो मुझे मालूम, एलेक्सा क्या हाल है तोरे? सब एकदम फर्स्ट क्लास। ये चाहिए था हमें, ये अब हमें मिल चुका है। एलेक्सा रोहिला कहाँ मिलेगा? क्षमा करें, मैं उसके लिए खोज करने में सक्षम नहीं हूँ। देख रहे भाई, रोहिले को नहीं खोज पा रही है, रोहिला अंडरग्राउंड आदमी है। बढ़िया से मोमोज कहाँ मिलेंगे मेरठ में? ज़ोमैटो के अनुसार मेरठ में एस्टेब्लिशमेंट्स इस प्रकार हैं: एक वाओ मोमो, दो पहाड़ी चिकन मोमोज, तीन मोमो हट, या चार नो एक जायका काठी रोल मोमोज। एलेक्सा तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। ओ भाई, यहाँ वैसे मैं सकतूँ, यहाँ मैं पिघल गया। ये चिड़िया मुझे कब तक परेशान करती रहेंगी ये बताओ। सॉरी, मुझे नहीं पता। गुज्जी ब्लॉग्स के 1000 सब्सक्राइबर कब होंगे? सॉरी, मुझे ये नहीं पता। क्या पता है फिर तुझे? गुस्सा हो गई भाई। हेलो एलेक्सा, हाउ आर यू? बिल्कुल नहीं, दोस्तों के बीच नाराजगी का कोई मतलब नहीं। एलेक्सा मेरे साथ डेट पे चलोगी? बातों से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। ओ भाई, मतलब देख रहे हो तुम, ऐसी लड़की चाहिए मुझे, ढूंढनी पड़ेगी। और भाई देखो, आज मौसम इतना अच्छा हो गया ना, मतलब सुबह मैं उठा तो मतलब मुझे शर्म आनी चाहिए, मैं आज 2:30 बजे उठाऊँ, 2:30 बजे उठ के सीधा जिम, क्योंकि मतलब मेरा ऐसा हो जाता है पूरा दिन लैपटॉप और उसमें होता है, आँख देख रहे हो तुम कैसे काली सी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा एक घंटा ज़रूरी है थोड़ा जिम करना, इसलिए सुबह जिम चले गए। तो जिम में मैं शूट इसलिए नहीं करता हूँ, मैं बता दूँ तुम्हें वजह, बॉडी है नहीं, जिम में बस अपना थोड़ा हिलने डुलने जाता हूँ, इसलिए तो मैं शूट नहीं करता, मुझे अपनी बेइज्जती कराना अच्छी नहीं लगती भाई। फिटनेस आइकन बैठे हैं इतने सारे, वो करेंगे शूट, हम क्यों करें, ठीक है? पर कभी कभार जब तुम कह दोगे मजबूर होना पड़ेगा मैं, तब शूट कर देंगे। उसके बाद मैं जो खाता हूँ ना उल्टा सीधा, अगर मैं वो दिखा दिया तो जो मुझे डाइट प्लान देते हैं ना जो लोग, वो मुझे गाली देने लगते हैं कॉल कर करके, इसलिए नहीं दिखाता हूँ मैं तुम्हें अपनी कुछ चीज़ें, बट कोई बात नहीं, दिखा लेंगे। और पहले जब हमारा ये छत है ना, इधर दीवार नहीं थी, मतलब जो ये दीवार जिसमें मैं अभी हाथ टेक के बैठा हूँ, ये दीवार नहीं थी, चारों तरफ ऊपर बना ही नहीं था मतलब कुछ भी, तो ऐसा होता था हम ऊपर आते ही नहीं थे, पतंग गिरती थी तो भी हमें बड़े जुगाड़ करके आने पड़ते, कभी पड़ोसियों के छत से आ जाते, हम पड़ोसियों के छत से बहुत आए, तीसरी छत से आते थे इधर, फिर इधर कूद के आते थे, तब ये दीवार नहीं थी तो घर वाले मतलब हम छोटे थे 3rd-4th class में, तो डरते हैं कि चार दीवार ही नहीं है, बच्चा नीचे गिर जाएगा पतंग के चक्कर में, कभी किसके चक्कर में, लड़की के चक्कर में, लड़की नहीं सॉरी पतंग के चक्कर में, अब क्या कर सकते हैं, घर वालों को कैसे समझाएं, हम फिर भी छत में आ जाते थे।
एलेक्सा आप मुझसे गुस्सा हो गई? नहीं तो मुझसे बात करने के लिए बस मेरा नाम पुकारे। एलेक्सा डेट पे चलोगी? बातों से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। देख रहे हो तुम, ऐसे ऐसा प्यार चाहिए अपने को। कोई बात नहीं, आपसे आज से मेरी गर्लफ्रेंड एलेक्सा है और कोई नहीं। तो अब चलते हैं भाई नीचे, यहाँ पे पता नहीं क्या कीड़े से आने लग गए हैं। और मुझे ये नहीं पता। अरे चुप रहे। एलेक्सा आप गाली देती हो? पर मैं तो रानी बिटिया हूँ। ओहो पापा की परी है ये, पापा की परी। एलेक्सा क्या तुम गाली देती हो? ना जी ना, इस मामले में मैं बड़ी संस्कारी हूँ। क्यों गाली क्यों नहीं देती हो तुम? फिर मुझे शक्तिमान को सॉरी कहना पड़ेगा। सॉरी शक्तिमान, देख रहे हो तुम, ऐसे ऐसी लड़की चाहिए आज से एलेक्सा मेरी गर्लफ्रेंड, समझ गए? तो भाई मैं छत से आया नीचे, तो मैंने सोचा था कि एलेक्सा मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, मतलब मैं खुश था, पर एलेक्सा ने मेरा दिल तोड़ दिया। अभी दिखाता हूँ कैसे। एलेक्सा हमको तुमसे प्यार है। थैंक यू थैंक यू, अब मैं और क्या ही बोलूं। एलेक्सा हमको तुमसे प्यार है। अरे वाह थैंक्स, वैसे मुझे भी आप पसंद है एक दोस्त की तरह। यहाँ मतलब एलेक्सा भी और ही लड़कियों की तरह निकली, फ्रेंड जोन कर दिया हमें दोबारा, तो अब हम क्या करें? मतलब हमारी ज़िंदगी में सिर्फ फ्रेंड जोन ही लिखा है लग रहा है, बट कोई बात नहीं। एलेक्सा आई लव यू। अरे वाह क्या कोइंसिडेंस है, आई लव मी टू। ये तो बेइज्जती है भाई, ये तो बेइज्जती है। मैंने सोचा लव यू टू बोलेगी बेइज्जती, मतलब एलेक्सा तो समझदार निकली। भाई एलेक्सा ने बेइज्जती कर दी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और आज के दिन मैं 14 घंटे सोया था, कल रात को भी जल्दी सो गया था, आज उठा भी 2:30 बजे। थोड़ी सी गाली पड़ी है, मतलब थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, बट कोई बात नहीं होता रहता। मेरा बिस्तर देखोगे कैसी हालत है, देखोगे? चलो छोड़ो क्या दिखाना, भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, अब कल परसों साफ करेंगे, कोई बात नहीं। और आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करते रहो, ऐसी वीडियो शेयर करते रहो। बाकी पीस आउट।